दोस्तों, मैं कुसुम, स्वागत है आपका कुसुम रसोई में। गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम आज बनाएंगे मैंगो फ्लेवर मलाई लड्डू। गणेश जी को मोदक और लड्डू दोनों बहुत ही पसंद है, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लें और उसमें एक चम्मच भरकर घी डालें। गैस की फ्लेम को स्लो रखें, हमें हल्का गर्म करना है घी को और उसमें 1/3 कप मिल्क पाउडर डालें और इसे हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करें। ऐसा करने से जो मिल्क पाउडर का स्मेल होता है वो चला जाएगा। हल्का गुलाबी हो चुका है मिल्क पाउडर, अब हम इसमें 1/4 कप दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। हमें इसे ड्राई होने तक इसी तरह से पकाना है। गैस की फ्लेम को स्लो रखें और अच्छी तरह से मिक्स करें। धीरे धीरे इकट्ठा होने लगा है, देखिए हमारा इंस्टेंट मावा तैयार। अब हम इसमें 200 ग्राम पनीर डालेंगे। ये घर का बना हुआ पनीर है, मैंने पहले अपनी स्वीटिशो में पनीर बनाना बताया है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे मिक्स करते हुए हमें 5 से 6 मिनट तक इसी तरह से पकाना है। इस तरह से दबा दबा करके चलाएंगे तो पनीर के जो दाने हैं वो छोटे हो जाएंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लें। मावा और पनीर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब हम इसमें 1/4 कप मलाई डालेंगे। मलाई लड्डू है तो मलाई जाना लाजमी है, अब इसे डालें। ये घर की मलाई है, जो दूध आता है उसका मैंने मलाई निकाल कर रख लिया था। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। अब इसके सूखने तक, जब तक ये ड्राई ना हो जाए तब तक हम इसे पकाएं। अब ये थोड़ा ड्राई हो चुका है, हम इसमें 1/3 कप कंडेंस मिल्क डालेंगे। अगर आप कंडेंस मिल्क नहीं डाल रहे हैं तो 1/2 कप मिल्क पाउडर और डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। मिल्क पाउडर आपको शुरू में ही डालना होगा, जिस समय हमने 1/2 कप डाला था, और इसे हमें मिक्स करते हुए सुखाना है। देखिए पूरी तरह से सूख चुका है। अब हम इसमें 1/2 कप चीनी डालेंगे। कंडेंस मिल्क मीठा होता है इसलिए हमने 1/2 कप डाला है, और आप मिल्क पाउडर यूज कर रहे हैं तो आप 1/4 कप और चीनी डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। गैस के फ्लेम को स्लो रखें, चीनी धीरे धीरे पिघलेगा और जो हमारा मिश्रण है वो चीनी की मिठास को अब्सॉर्ब करेगा, क्योंकि चीनी पूरी तरह से पिघल चुका है और मिश्रण भी ड्राई हो गया है। मिश्रण को ज़्यादा ड्राई ना करें, नहीं तो आपका लड्डू जो है वो टाइट हो जाएगा। अब हम इसमें मैंगो फ्लेवर डालेंगे। ये है मैंगो एसेंस, इसमें फूड कलर है और फ्लेवर भी है। यही है वो चीज़ जिसे हलवाई डालकर बिना आम के सीजन के भी आम की मज़ेदार टेस्ट स्वीट खिलाते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें। 1 टीस्पून इस एसेंस को हमें डालना है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि सारा कलर एक सार हो जाए और उसकी खुशबू चारों साइड मिक्स हो जाए। देखिए मिश्रण कितना दानेदार लग रहा है ना, इसके टेस्ट को तो आप बनाकर खाएंगे तभी आपको पता चलेगा। अब इसे किसी प्लेट में निकाल लें और इसे चम्मच से फैलाकर ठंडा करें। ज़्यादा ठंडा ना करें, हल्का, जितने में आप हाथ में इजली ले सकें उतना ठंडा करें। और फिर इसे हाथों में एक छोटा पोसन लेकर गोल लड्डू बनाएं। हाथों से इस तरह से प्रेस करें ताकि उसका राउंड शेप आए, फिर हथेलियों पर घुमाकर इसे चिकना करें। इसी तरह से सारे लड्डू तैयार कर लें। अगर आपको मोदक बनानी है तो इस मिश्रण को मोदक सांचे में डालें और मोदक तैयार कर लें। सारे लड्डू बनने के बाद इस पर बारीक कट किए ड्राई फ्रूट से गार्निश करें। हो गया हमारा तैयार मैंगो फ्लेवर मलाई लड्डू। अपनी राय को नीचे जरूर लिखें।